नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नज़र। आगामी 8 जनवरी 2022 को झांसी जनपद के कस्बा बबीना में अखिल भारतीय ब्राट दंगल का आयोजन स्वर्गीय श्री ब्रजनंदन राय जी एवं स्वर्गीय श्री रामदास राय जी की पुण्य स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। एक प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय ब्राट दंगल के आयोजक एडवोकेट रवि राय ने जानकारी देते हुए बताया कि बबीना के इतिहास में पहली बार अखिल भारतीय ब्राट दंगल में कुश्तियों का महासंग्राम होगा। 8 जनवरी 2022 को बबीना के न्यू दशहरा ग्राउंड में सुबह 11 बजे कुश्तियां प्रारंभ हो जाएंगी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होकर शुभारंभ नया सवेरा ट्रस्ट के अध्यक्ष इंजीनियर यशपाल सिंह यादव करेंगे। अखिल भारतीय ब्राट दंगल में कुश्ती जगत के भारतीय ओलंपियाड नरसिंह यादव एवं भारतीय महिला ओलंपियन दिव्या काकरान सेलिब्रिटी के रूप में उपस्थित होंगे, जो पहलवानों की हौसला अफजाई करेंगे। अंतिम एवं आकर्षक तथा चैलेंज कुश्ती 2,30,000 रुपये की होगी। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय ब्राट दंगल में देश के कोने कोने से नामी ग्रामी पहलवानों समेत भारत केसरी और भारत कुमार भी सम्मिलित हो रहे हैं। इससे पूर्व कुश्ती के आयोजकों द्वारा न्यू दशहरा ग्राउंड में पहुंचकर अखाड़े के लिए जगह का चयन करते हुए रूपरेखा तैयार की गई। आइए देखते हैं प्रेस वार्ता में क्या कहा अखिल भारतीय ब्राट दंगल के आयोजकों ने। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से विजय वर्मा के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। आज जो कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, किस सिलसिले में कर रहे हैं? ये हम अपने दादाजी की याद में, बड़े दादा श्री ब्रजनंदन राय जी, छोटे दादा श्री रामदास राय जी, उनकी याद में एक दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। चूँकि यहाँ काफ़ी समय से दंगल हुआ भी नहीं है और पहले होते रहे हैं दंगल बबीना में, अभी काफ़ी समय से नहीं हुआ, तो उन्हीं की याद में। किस स्तर का दंगल है ये? राष्ट्रीय स्तर का दंगल है। इसमें चार भारत केसरी आ रहे हैं, तीन भारत कुमार आ रहे हैं और लड़ने के लिए जो कुश्ती लड़ेंगे, और हमारे जो गेस्ट हैं मेन, जो उनका नरसिंह यादव जी जो ओलंपियन हैं, दिव्या काकरान जी जिन्होंने अभी एशिया में गोल्ड मेडल जीता है। तो सर, इस तरह के क्या हमेशा दंगल होते रहेंगे? बिल्कुल, हर वर्ष हम लोगों का कराने का यही है कि हर वर्ष उनकी याद में, अभी शुरुआत कर रहे हैं, हर वर्ष कराया जाएगा। आखिरी कुश्ती कितने अमाउंट की होगी? आखिरी कुश्ती 2,00,000 की हमारी है, मतलब जो 2,30,000 की पहला जो सबसे बड़ी कुश्ती जो है 2,30,000 की है, फिर 1,50,000 की है, फिर 1,00,000 की है। तो इसे राष्ट्रीय स्तर का दंगल कहा जाए? बिल्कुल, क्षेत्रीय पहलवानों को मौका मिलेगा? क्षेत्रीय पहलवानों को पूरा मौका मिलेगा, सभी की कुश्तियाँ होंगी, जो आएगा सभी की कुश्तियाँ होंगी। मेन तो क्षेत्रीय पहलवानों के लिए ही हम लोग ये कर रहे हैं कि उनको प्रोत्साहन भी मिले और उनको सीखने को भी मिले, मौका मिले। न्यूनतम राशि क्या होगी उसमें? 5,000-11,000 कुश्ती रहेगी। क्या मतलब, और रूपरेखा क्या है आपकी इस कार्यक्रम के बारे में, और क्या बताना चाहेंगे आप बताएं? देखिए, पहला उद्देश्य तो राय साहब ने कहा कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, लड़कों को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी देखने को। जैसे अभी नरसिंह यादव आ रहे हैं, ये इंडिया का सबसे अच्छा पहलवान था, लेकिन एक षडयंत्र के तहत वो ओलंपिक में विश्व विजेता है और विश्व में इन्होंने पहला स्थान दिया था, इसलिए इनका ओलंपिक का टिकट भी हो गया था। लेकिन एक आखिरी पहलवानन की क्या, सब जगह ये आखिरी शिकार हुए हैं एक साजिश के, जिससे नहीं जा पाए थे, 4 साल के लिए निकाल भी दिए थे, अब इनका वो टाइम पूरा हो गया। दिव्या काकरान सेन, वो सेन है, काकरान लिखती हैं अपना गोद, वो भी एशिया की गोल्ड मेडलिस्ट है और वो जो है यहाँ हो गई, लड़ गई। इतने गरीब घर की बेटी थी वो कि उनके पिताजी लंगोट बेचा करते थे। हम चंद प्रकाश जी गए जब वहाँ मंगन का मेला लगता है यहाँ बगल के कस्बा में, तो वो आई तो लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या है, लेकिन आज उसने पूरे देश को हिला दिया है।
प्रेजेंट टाइम में लड़ती है। गवर्नमेंट ने अभी उसको लखनऊ में पोस्टिंग दे दी है, वो आ रही है अपने भाई के साथ में, और कई भारत कुमार आ रहे हैं नए नए लड़के, बहुत अच्छे। और इसका उद्देश्य हम लोगों का मेन चीज़ है कि अपने क्षेत्र के पहलवानों को बढ़ावा मिले, वो सीखें। हम ये नहीं है कि 5,000 तक कराएं, अच्छी हमारे पहलवान हैं तो उनकी 20,000-25,000 की भी कुश्ती कराएंगे। राय साहब की हमारी ये बात हुई है और राय साहब एक बहुत भले दिल के हैं कि उन्होंने कहा बच्चों के लिए कुछ भी हो हम तैयार हैं, और यहाँ जो है सारी व्यवस्थाएं उनके लिए कर दी गई हैं। मुख्य अतिथि के रूप में कौन है? मुख्य अतिथि में हमारे जो नया सवेरा ट्रस्ट हैं उनके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कोरोना काल में और भी बच्चों के स्कूल के लिए, हर चीज़ के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, हर चीज़ से मदद करी उनने। जो भी बीमार हुआ उसकी मदद करी, हर तरीके से जो बराबर मदद करते आ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम बुला रहे हैं जिन्होंने आपदा में भी हर किसी की मदद करी है और पूरे खुले दिल से मदद की गई। हमारे साथ पहलवान भी यहाँ पे मौजूद हैं। नमस्कार सब भाइयों को, आप अपने पहलवान साथियों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से इस दंगल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यहाँ भारत के इसी बुला रहे हैं इसलिए कि सब देख ले, जो उनको देख के नए लड़के भारत के इसी बने बुंदेलखंड में, उन्हीं को देख के उनको वो मिलेगा प्रोत्साहन। तो इसमें भारत केसरी है, कमला पहलवान है, और भारत केसरी हितेश काला है, भारत केसरी जम्बू का बिनिया बीन DSP है, नासर पहलवान, और नासर पहलवान गुरु हनुमान का है। चार भारत केसरी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। गणेश व्यायामशाला बबीना के खलीफा हमारे चंद्र प्रकाश राय जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे इस दंगल के बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि एक बार तो दंगल कोई भी करा लेता है बड़ा, लेकिन जो रवि ने आज बात की है कि ये परंपरा के रूप में रहेगा और हर साल ये दंगल होगा, इसलिए हम खुश हैं क्योंकि एक बार बड़ा कोई भी करा सकता है दंगल या कोई भी खेल, लेकिन उसकी परंपरा मिट जाती है। हमने भी देख लिए कई दंगल करा के हमारे यहाँ, पहले बबीना में 15 अगस्त और 26 जनवरी बिना सुने आदमी आ जाते थे, कोई एडवर्टाइज की ज़रूरत नहीं रहती, 6-6 महीने के अंतर में दंगल होते थे 15 अगस्त और 26 जनवरी केवल। तो इसके बाद फिर अपने अपने पिताजी माताजी की याद में दंगल होने लगे, दीनदयाल ने कराया अपना 29 अगस्त को खेल दिवस पर पिताजी की याद स्मृति में, वो भी चलता रहा। बीच में करण सिंह भी आए, करण सिंह यादव ने अपने पिताजी में 2 बार ही दंगल करा पाए, इसके बाद वो भंडारे में उस जगह के हम भागवत भंडारे कराएंगे। तो खेल की दृष्टि से बबीना हमेशा आगे रहा, शौकत अली, संजय और अनिल पहलवान EP लेवल के पहलवान रहे और अच्छे किस्म के पहलवान रहे, ऐसा नहीं है कि बबीना में नाम ना हो। पहले इलाही भी रहे, इसके बाद आजाद सिंह भी रहे, काफ़ी पुराने पहलवान रहे, शौकत अली रहे जो नेशनल खेला, और देवेंद्र भी, देवेंद्र पहलवान भी रहे, इसके अलावा कई पहलवान यहाँ दिए हैं बबीना ने, गणेश व्यायामशाला ने, लेकिन कुछ कमियां होने के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। अभी नेताजी ने हमको जैसे 5 लाख का मैट दिया तो हमारे लड़के उसी दिन से अभ्यास करने लगे, तो आज जो है UP और इंडिया के लेवल की कुश्तियों में भाग लेने लगे तभी से, क्योंकि पहले हम मिट्टी में अभ्यास करते थे और जाते थे हम लड़ने के लिए मैट की कुश्ती, तो वहाँ से पराजित हो जाते। तो यही हमारा कहना, सबसे हमें खुशी इस बात की है कि रवि ने आज इस बात को कहा कि ये परंपरा हमेशा चलेगी, क्योंकि एक बार दुनिया करा लेता है फिर नहीं हो पाता है, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त हम कराते रहे और वो टूट गया, इसलिए हमें सबसे बड़ी बात रवि राय की यही लगी कि परंपरागत ये होगा दादाजी की स्मृति में, और हमें बड़ी खुशी है आज कि हमारे युवा आगे बढ़े हैं इस खेल के लिए और खेल जगत में इनका नाम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी बबीना नगरी है वो वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ हमारा एक अखाड़ा है गणेश व्यायामशाला, जिसमें मैंने पहलवानी की, मेरे खलीफा, मेरे और सीनियर पहलवान और जूनियर पहलवान, हमारे अखाड़े से मैंने भी नेशनल खेला, हमारे संजय राय ने नेशनल खेला, अनिल और शंकर कॉलेज की तरफ से नेशनल खेला है और UP में गोल्ड भी जीता है, और विशाल बुंदेलखंड केसरी में हमारे खलीफा जी ने, मैंने, अनिल पहलवान, शंकर पहलवान, हम सब ने 2-2 बार इस उपाधि को जीता है।
संजय पहलवान ने 5, अभी हमारा युवा पहलवान हमारा रणवीर यादव है और दीनदयाल के दंगल के बारे में क्या अपील करेंगे आप दर्शकों? इस दंगल के बारे में मैं अपील करना चाहता हूँ कि मैं और मेरे क्षेत्र के सारे लोग और मेरे बबीना नगर के सारे लोग इस दंगल को ज़रूर देखें। इसमें ऐसी उभरती प्रतिभाएं आएंगी जो देखने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करके आदमी जाता है। वो आज हम अपने यहाँ जो हमारे रवि राय जी हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे बबीने में बहुत बड़ा दंगल ऐतिहासिक दंगल करा रहे हैं और हमारी जो मैनेजमेंट टीम है। क्या अपील करेंगे? मैं कोरोना गाइडलाइन का पालन, भाई कोरोना गाइडलाइन का जरूर पालन करें, मास्क लगाएं, थोड़ी दूरी बना के रखें और जो भी दिशा निर्देश है उसका पालन करें। जो भी हमारी सरकार की दिशा निर्देश है हमें उसका पालन करना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।